के हाथ में उस्तरा दे देने से वो हजामत नहीं बनाता है। कतर जो कभी तालिबान का दोस्त बना फिर रहा था और तालिबान के लिए पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया से सहयोग मांग रहा था, आखिर उस कतर को आया गुस्सा तालिबान के ऊपर। तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में अब बड़े तगड़े वाले भिड़ंत हो रहे हैं तालिबान और दाओस सेना के बीच। कौन है ये दाओस? तो सबसे बड़ी खबर, आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया? और खास करके पीएम मोदी के भाषण के बाद चीन ने दौड़ाए अपने विदेश मंत्रियों को सऊदी अरब। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को। तो वहीं आखिर तजिकिस्तान और तालिबान की भिड़ंत में बीच में कूदा रूस। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के अब हरेक कदम पर चीन की नजर है और चीन अपने नीति से इतना ज्यादा बिखर चुका है और भारत की बढ़ती हुई विदेश नीति, बढ़ती हुई ताकत से इतना घबरा गया है कि उसे अब भारत के छोटे बड़े हर कदमों पर नजर रखने की आदत सी हो गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई एक्सपो में अपना एक भाषण दिया और इस भाषण के तुरंत बाद चीन ने बैठक करनी शुरू कर दी। इस बैठक में सबसे पहले चीन ने अपने विदेश मंत्रियों को ये आदेश दिया कि आप तुरंत यहाँ से खास तौर पे मिडिल एशिया में, खास तौर पे इन मुस्लिम देशों का दौरा करना शुरू करो। वैसे इस भाषण में ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से चीन इतना हड़बड़ाया? तो आपको बता दें, आशा के विपरीत जहाँ भारत में भी कुछ लोग थे और विदेशों में भी थे जो ये सोचते थे कि मोदी सरकार आने के बाद मुस्लिम देशों में भारत का प्रभाव और घटेगा, रिश्ते और खराब होंगे, लेकिन इसके विपरीत मुस्लिम देशों ने तो भारत के पीएम को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान देना शुरू कर दिया। तो अब वहीं दुबई एक्सपो में पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान ये कहा कि हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़ते रहेगी। ऐसे में हमारा रिक्वेस्ट है आप सभी मिडिल ईस्ट के देशों से कि आइए और हमारे विकास में भागीदार बनिए, हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का साझेदार बनिए, अपनी कंपनियों हमारे यहाँ खोलिए और निवेश बढ़ाइए। पीएम मोदी के इन लाइनों का असर इतना ज्यादा हुआ कि चीन अब ये सोच रहा है कि जिस तरीके से अफ्रीका से भारत ने धीरे धीरे सही निकाल कर फेंक दिया चीन को, और कथित तौर पर मुंबई में जो ब्लैकआउट हुआ था, कहा जा रहा है कि उसके लिए चीन जिम्मेदार था। हालांकि ये ब्लैकआउट कुछ घंटों का था, पर भारत ने जो ब्लैकआउट किया चीन में वो महीनों का है और बेहद बड़ा दर्द दे रहा है। भारत ने कैसे ब्लैकआउट किया ये आप हमारी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। यही वजह है कि अब भारत के हर कदम को ध्यान से देख रहा है चीन और कोशिश कर रहा है बात आगे बढ़ने से पहले ही बात संभाला जाए, अपने विदेश मंत्रियों को तुरंत मिडिल ईस्ट के देशों को यात्रा करने और चीन के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दौड़ा रहा है चीन। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो सीन देख रहे हैं, ये सीन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर का, जहां ये छोटे छोटे जो समूह में लोग दिख रहे हैं ये वो अफगानी हैं जो पाकिस्तान के अंदर घुसना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान ने यहां पूरी छावनी बना रखी है कि यहां किसी भी तरीके से अफगानिस्तान के लड़ाके अंदर ना आ सके। जहां अफगानिस्तान की सीमा पर ये हालात है, तो वहीं अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने बहुत कोहराम मचा रखा है। तालिबान को दरअसल पता ही नहीं है कि शासन कैसे चलाया जाता है। अब से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के साथ कतर एक वो देश था जो दुनिया भर से समर्थन मांग रहा था तालिबान के लिए, लेकिन अब कतर को भी गुस्सा आने लगा है तालिबान के ऊपर, और गुस्से में कतर ने यहाँ तक कह दिया है कि शासन कैसे चलाया जाता है ये तुम्हें हमसे सीखने की जरूरत है। हमारे देश में भी इस्लामिक कानून है, लेकिन उसके बाद हम किस तरीके से शासन चलाते हैं, नागरिकों को किस तरीके से खुश रखते हैं, ये कोई हमारे देश आकर देखे। हालांकि कतर ने ये बात बिल्कुल सही कही, पर तालिबान की किस हरकत पर गुस्सा आया कतर को? तो आपको बता दें, तालिबान बदलने वाला है नहीं। तालिबान वो बंदर है जिसके हाथ में उस्तरा थमा दिया है कतर, पाकिस्तान जैसे देशों ने, और अब वो उस्तरे से हर किसी को जख्मी कर रहा है। जहां अपने देश में समावेशी सरकार नहीं बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग शरिया कानून लादे जा
जा रहा है, जैसे कि छात्राओं को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, अगर प्रदर्शन कर रही हैं तो उन पर गोलियां चला दे रहा है या फिर राइफल की बट से ढुलाई कर दे रहा है। विदेश नीति के नाम पर कुछ रह नहीं गया है। अब ऐसी हरकतों को देखकर, तालिबान के इस तरह के आदेशों को देखकर दुनिया पहले ही सहम जा रही है, एक तो भरोसा नहीं कर रही थी और अब तालिबान प्रूफ दे रहा है। ऐसे में कतर और पाकिस्तान के दावे दुनिया के सामने झूठे पड़ जा रहे हैं। इसलिए कतर बौखला रहा है कि तालिबान को सीखना चाहिए हमसे कि कैसे शासन चलाया जाता है। वैसे आपको बता दें, तालिबानी लड़ाकों ने जिंदगी भर ट्रिगर दबाई है, उन्हें बंदूक चलाना आता है, शासन चलाना नहीं आता है। बंदूक चलाना आसान काम है शासन चलाने के मुकाबले। अब यहाँ से कहानी अलग मोड़ ले रही है। कतर या पाकिस्तान के चाहने न चाहने से कुछ नहीं हो रहा है, अब आपस में ही भिड़ रहे हैं तालिबानी लड़ाके और अब दाओस सेना से भिड़ रहे हैं। दरअसल ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये क्षेत्र नांगवार का क्षेत्र, जहाँ इस प्रांत में अभी तक ठीक से कब्जा नहीं कर पाया है तालिबान। यहाँ रहते हैं दाओस समुदाय के लड़ाके और ये दाओस समुदाय के लड़ाके तालिबान को अपना दुश्मन मानते हैं। इन्होंने लड़ाई शुरू की। हालांकि तालिबान जब भारी पड़ने लगा तो पिछली बार ये भी छिप गए, लेकिन फिर वापस से ये संगठित हुए हैं और अब इन्होंने वार करना शुरू किया है, एक जगह से नहीं बल्कि कई जगहों से। जहां नागवार प्रांत में दाओस सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में अपने लड़ाकों को भेज रहा है तालिबान, तो वहीं ताजिकिस्तान से लगते तखार में भी टेंशन बढ़ चुका है। तालिबान ने जहां 10,000 लड़ाकों की तैनाती कर दी है ताजिकिस्तान के खिलाफ, तो वहीं ताजिकिस्तान ने भी अपनी फौज उतार दी है, टैंक्स उतार दिए हैं, लड़ाकू विमानों को उतार दिया है। इन दोनों के टेंशन बढ़ते जा रहे हैं। ताजिकिस्तान ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो तालिबान को मान्यता देने वाला नहीं है, तो बदले में तालिबान ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि आप हमारे आंतरिक मामले में दखल मत दो, वरना हम भी तुम्हारे आंतरिक मामले में दखल देना शुरू कर देंगे। अब यहाँ जो ताखार क्षेत्र है, यहाँ कहा जा रहा है कि ताजिकिस्तान हथियार दे रहा है, लड़ाकों को तैयार कर रहा है, जिसकी वजह से तालिबान भी बौखलाया हुआ है। तालिबान ताखार के साथ साथ ताजिकिस्तान को भी मजा चखाना चाहता है, इसलिए अपनी खास यूनिट की 10,000 फौज को यहाँ तैयार रखा है। लेकिन ताजिकिस्तान ने साइन कर रखा है रूस के साथ CSTO ट्रीटी, यानी इस ट्रीटी के तहत रूस को ताजिकिस्तान की रक्षा करने के लिए आना पड़ेगा। अब इन सब के बीच में रूस भी कूद गया है। रूस ने फिलहाल तालिबान को धमकाते हुए ये कहा है कि समावेशी सरकार नहीं है तुम्हारी और शांति बनाकर रखो, वरना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुम्हें बहुत झटके खाने पड़ेंगे, तो वहीं ताजिकिस्तान को भी शांत रहने की सलाह दे रहा है। लेकिन यही रूस जहां एक तरफ ताजिकिस्तान को सलाह दे रहा है, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े हथियारों के साथ अपनी सेना को भेज रहा है और अब तो अमेरिका के साथ मिलकर स्ट्राइक की योजना बन रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अफगानिस्तान स्थिर हो पाएगा और क्या तालिबान यहाँ अपना शासन जमा पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।